आप रिचार्ज बिजनेस कर रहे हैं, रिचार्ज करके कुछ अर्निंग कर रहे हैं, कमीशन के ऊपर रिचार्ज करके आप अपना दुकान पे रिचार्ज कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को रिचार्ज करके दे रहे हैं, कुछ कमीशन बेनिफिट हो रहा है आपको, या फिर किसी भी रिचार्ज एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा अगर आप रिचार्ज बिजनेस करते हैं या फिर आगे जाकर रिचार्ज बिजनेस करने का इरादा है। तो मैं चैनल पर काफ़ी सारे रिचार्ज के ऊपर वीडियो बनाया हूँ, काफ़ी सारे नए नए एप्लीकेशन के बारे में बताया हूँ, काफ़ी सारे कमीशन भी देता है ये सब एप्लीकेशन, लेकिन एक बात मैं वो सब वीडियो पे नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो काफ़ी सारे वीडियो स्पॉन्सरशिप का होता है, इसीलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। लेकिन जो मेरा सब्सक्राइबर है, इन लोगों का जैसे नुकसान ना हो, इसी के लिए सेफ्टी वीडियो है ओनली ऑन कर्मकार यूट्यूब हेल्पलाइन चैनल का सब्सक्राइबर लोगों के लिए, जो इस चैनल का वीडियो देखकर एप्लीकेशन डाउनलोड करके रिचार्ज बिजनेस कर रहा है एंड अच्छी खासी अर्निंग कर रहा है, उन लोगों के लिए ये सेफ्टी एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो के अंदर मैं पूरा डिटेल में समझाने का कोशिश करूंगा, उससे पहले इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर सेफ्टी के साथ वीडियो बनती है। अगर आप लोगों के साथ कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको बहुत ज़्यादा मदद करता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को किया हूँ, एंड ऐसे मैं बताता हूँ कि दिक्कत ना हो, ऐसे मैं पहले ही बता देता हूँ। बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करते, इसीलिए आप लोग काफ़ी सारे पार्ट मिस कर देते हैं, तो आप लोगों का दिक्कत हो सकता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ज़रूर से ज़रूर नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए, क्योंकि जब भी मैं सेफ्टी का वीडियो अपलोड करूँ तो आपका मोबाइल पर आए एंड आप वो नोटिफिकेशन को भी प्रेस करके वीडियो को फुल वॉच कर पाए। तो चलिए मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ ये सब एप्लीकेशन में आपको क्या क्या बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी जिस एप्लीकेशन पे आप काम करना स्टार्ट कर रहे हैं उस एप्लीकेशन कितना ज़्यादा कमीशन दे रही है। एवरेज 4% से ऊपर जिस भी एप्लीकेशन दे रही है उस एप्लीकेशन मार्केट में रहने वाला नहीं है, वो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ओनली रिटेलर को एंड डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा ज़्यादा दे सकता है, बट रिटेलर को अगर वो 4% से ज़्यादा दे रही है तो मानो वो एप्लीकेशन रहने वाला नहीं है। एयरटेल पे भी 4% नहीं देगा, एयरटेल पे 2 से 2.5% दे सकता है, बट एवरेज 4% दे सकता है रिटेलर को, बट उससे ऊपर किसी भी कंपनी दे रहा है मतलब वो कंपनी जरूर से ज़रूर भागेगा, एंड उसका नीचे जो दे रहे हैं उनमें से भी 10% कंपनी भाग जाता है। उन क्या क्यों भागता है, क्योंकि उसका भागने का रीज़न यही होता है आप लोगों के लिए भागता है। आप लोग उसका डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर आईडी लेते हैं, लेने के बाद आप लोग ऐसा एक गलत काम कर देते हैं उसके कारण वो लोग भाग जाता है, वो लोग का बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है उनमें वो भाग जाता है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना पड़ेगा, जितना भी बढ़िया एप्लीकेशन होना क्यों भाई, जितना भी ब्रांडेड एप्लीकेशन होना क्यों, बड़े बड़े ब्रांडेड को बात देकर जो नया नया बन रही है इनमें से जो बड़ा बन रहा है दोस्तों, ये सब जितना सारे एप्लीकेशन है ना, किसी भी एप्लीकेशन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मनी लोड नहीं लेनी है, ये ध्यान पे रखो भाई। दिन पे अगर आपका 1000 का रिचार्ज हो रही है तो भाई 1000 रुपया ही डालो, ज़्यादा मत डालो। वो एप्लीकेशन आपको लोभ देगा, बोलेगा भाई 10,000 डाल लो 10% एक्स्ट्रा, 10,000 डाल लो 11,000 आपको मिलेगा, 5,000 डाल लो 5,200 मिलेगा, 2,000 डाल लो 2,020 मिलेगा। भाई वो मतलब कि वो 10 रुपया 20 रुपया 1000 रुपया लाभ लेने के लिए आपका पूरा पैसा लेकर वो जा सकता है। इसीलिए मैं कमेंट करना चाहूँगा, जितना आप रिचार्ज करें भाई, किस एक कोई भी एप्लीकेशन वो मार्केट में आया है आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा पैसा, भाई उसका तो लूटना है आपको। तो ऐसा काम करो, 400 रुपया कोई रिचार्ज करने के लिए आ रहा है, UPI एड मनी का सिस्टम है, तो जब भी आ रहा है तब भी आप इंस्टेंट एड मनी कर लो। UPI एड मनी का सिस्टम जो होता है ना वो इंस्टेंट हो जाता है, इंस्टेंट एड मनी कर लो, उसको रिचार्ज कर दो, जो आपको कमीशन होगा वो बच जाएगा। भाई ऐसा काम करो, आप ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 30,000, मैं काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे काफ़ी सारे एप्लीकेशन में 30,000 40,000 50,000 1,00,000 ऐसा लोड ले लेता, भाई ऐसा मत लेना है भाई, जितना रिचार्ज करना है उतना ही लोड लेना है, ये बात ध्यान पर रखो। ऐसे क्या होगा, कंपनी का फंड में ज़्यादा पैसा लोड नहीं होगा, जमा नहीं होगा, वो भागेगा नहीं, और आपका जो बेनिफिट है 4% 5% 6% जितना भी दे रहा वो आपका तो मैं मिल रही है। तो भाई इस तरीके से काम करो। और भी एक बात ध्यान रखनी है, वो भी मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। तो आपको क्या करना है, जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, तो वो कार्ड कभी भी ऐड नहीं करना है, क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल ही नहीं,
और डेबिट कार्ड भी नहीं, किसी भी एप्लीकेशन में वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, तो वो आपको वो ऐड नहीं करनी है। और एक बात और भी है ध्यान में रखनी है, यूपीआई ऐड हो सकता है, यूपीआई ऐड करने के करते हैं तो जब तक आप उधर से अप्रूवल नहीं करते तब तक वो आपका पैसा नहीं ले पाएगा। बट काफ़ी सारे एप्लीकेशन अलाउ मांगता, आपका SMS अलाउ मांग लेता है एंड आप कार्ड उस पर ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, उसके पास तो ऑलरेडी SMS अलाउ है, तो वो कार्ड से ऑटोमेटिकली मनी डिडक्ट कर सकता है SMS से OTP लेकर। तो इसीलिए कार्ड ऐड नहीं करना है। जब भी किसी भी एप्लीकेशन पे आप आ रहे हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, उसका जो अलाउ मांगता है अलाउ सोच समझ के ही देना। अलाउ करने के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सी एप्लीकेशन पे किस तरीक़े से अलाउ मांगता है, कैसे आपको करना है या फिर नहीं करना है। जब भी आप किसी भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं उसका जो इंस्टॉल करते वक्त अलाउ मांगता है वो पढ़ना भाई, अलाउ वो किस चीज़ का मांगता है, इसका वो ज़रूरत है या फिर नहीं है, सोच समझ के ही अलाउ करना। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है तो मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपके साथ फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।